एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं डार्क चॉकलेट से चॉकलेट क्यूब्स। चॉकलेट क्यूब्स बनाने के लिए हम वार्म वाटर में पहले वाटर वार्म करते हैं, उसके बाद उसमें धीरे धीरे करके चॉकलेट मेल्ट करवाते हैं। अगर हम लोग वाटर वार्म करते वक्त इसमें चॉकलेट डालेंगे तो चॉकलेट जो बहुत स्टिकी हो जाती है, इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी जो है मेरी फ्लेम मैंने क्लोज़ कर दिया, बंद कर दिया मैंने गैस, उसके बाद मैंने इसको मेल्ट किया है, अदरवाइज़ ये जो है बहुत स्टिकी हो जाएगा। तो अभी अपने प्रोसेस में है, अभी चॉकलेट मेल्ट हो गई है। अब इसमें थोड़ा सा पाउडर ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू चॉकलेट। हाँ, जैसा कि मैंने थोड़ा सा चॉकलेट लिया, आज मेरे पास थोड़े से ही चॉकलेट थे डार्क चॉकलेट, उस अकॉर्डिंग मैंने बनाया है। और ये एसेंस ऐड करेंगे, एसेंस भी आपके चॉकलेट के टेस्ट के अकॉर्डिंग, ये थोड़ा सा टेस्ट को इन्हेंस करता है, तो इसे ज़रूर ऐड करिएगा। मेरे पास चॉकलेट फ्लेवर का ही था, ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है। अगर आपके आसपास ये हो तो ज़रूर इसे ही प्रेफर करिएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर, अच्छे से मिक्स कर दें। जैसे कि आप देख रहे हैं अच्छे से मिक्स हो गया है। उसके बाद इस तरह से मॉल्ड आता है मार्केट में, आपको इजीली कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा। इस मॉल्ड में जो है किसी भी कुछ भी लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं जैसे ऑयलिंग या कुछ भी पेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। विदाउट एनी, ये पूरा जैसे ही ये फ्रिज्ड होगा ये पूरा अपने आप ही निकल के आ जाएगा। आई होप आपके लिए रेसिपी हेल्पफुल होगी। नाउ देखिए, मैंने इसको बस इस तरह से सारे क्यूब्स में हम लोग इसे फिल कर देंगे, और इसे विद इन अ 2 आवर अराउंड इसको फ्रेश करने के बाद जब इसे निकालेंगे तो ये प्रॉपर चॉकलेट के शेप में होंगे। आई होप आपको ये वीडियो लाइक आए, आप लाइक आपके हेल्प का होगा। और अगर आपको अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ ट्राई दिस, और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।